ગાંધીનગરમાં ઓલ મીડિયા કાઉન્સિલ એવોર્ડનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં પત્રકાર જગતના ખ્યાતનામ લોકો હાજર રહ્યા હતા, જેમાં અનેક ગુજરાત ન્યૂઝના એમબી શિવકુમાર શર્માને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. ગાંધીનગરમાં ઓલ મીડિયા કાઉન્સિલ એવોર્ડનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં પત્રકાર જગતના ખ્યાતનામ લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. એવોર્ડ શોમાં પત્રકાર જગતમાં મહત્વનું યોગદાન આપનારને, પત્રકાર ક્ષેત્રમાં ઘણા લાંબા સમયથી કામ કરતા લોકોને એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં ખાસ એનએસ ગુજરાત ન્યૂઝના એમડી શિવકુમાર શર્માને ખાસ એવોર્ડ આપીને સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. આ એવોર્ડ પ્રસંગ દરમિયાન ગુજરાત રાજ્યના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને નેતા સહિત વિવિધ ક્ષેત્રના અગ્રણીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ એવોર્ડ સમારોહમાં શહીદોને શ્રદ્ધાંજલિ આપીને તેમની યાદમાં નાટકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ ગરબાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. और मीडिया काउंसिल में मेरा ये दूसरा साल है, पिछले साल मैंने यहाँ पे जैसे सभी क्षेत्र में अव्वल होने के नाते मैंने शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रपति पद प्राप्त किया है. इसके तहत मुझे पिछले साल और मीडिया काउंसिल से अवार्ड दिया गया था शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभा है थी. और इस बार मुझे जूरी में शामिल किया, साथ में मुझे राजस्थान का महिला प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी दिया गया और मीडिया काउंसिल का, जो कि मैं मेरी कोशिश और मीडिया काउंसिल को जिस तरह से भी सपोर्ट किया जा सके, जो सभी क्षेत्रों में पत्रकारिता के साथ साथ कई सारे विशिष्ट प्रतिभाओं को खोज रही है और उनको प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रही है, उसमें मैं कार्यदर्शी विश्वकर्मा का बहुत बहुत इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं. आने वाले समय में जो 4 साल बचे हैं, मुझे लगता है 40 सालों तक भी ये इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे. आज का प्रोग्राम में बस एक खास चीज़ रही है कि लगभग ये प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम होता है और इसमें हर क्षेत्र के लोगों का हमने समावेश करते हैं. एक जो सम्मान समारोह की सूची बनाया था, काफ़ी जो जान ईमान शामिल और इस प्रोग्राम को सही और सार्थक बनाने के लिए जो आज मेरे संत जिनका आशीर्वाद है, गुजरात राज्य के धर्माचार्य रहे हैं और गुजरात राज्य के तेजस्वी भी रहे हैं, हमारे एक गुजरात राज्य के चीफ जस्टिस रहे हैं, ये लोगों ने मुझे आकर इस प्रोग्राम में जो अपना मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है. और मेरे साथ एक मेरे डॉक्टर साहब हैं जिनको डॉक्टर की पदवी न देकर उनका प्रधान की पदवी है, प्रधानमंत्री जो होता है डॉक्टर को प्रधानमंत्री होता है, डॉक्टर का प्रधानमंत्री बहुत कम है, इस प्रोग्राम में मुझे साथ करना मिला प्रोग्राम के कार्यक्रम को. विगत 3 वर्षों से अटेंड करता हूँ और ये एक विशेष कार्यक्रम है. सभी तरह के क्षेत्र में कार्य करने वाले विशेष समाज सेवियों को ये काउंसलिंग के द्वारा अवार्ड दिया जाता है. मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम हो गया है. भगवान करे उत्तरोत्तर इस कार्यक्रम में बढ़ोतरी हो और इसी तरह राष्ट्र की सेवा ज्ञानेंद्र जी के द्वारा इस संस्था के द्वारा होती रहे. आज यहाँ मैंने देखा कि अहमदाबाद ही नहीं, पूरे प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी, नेतागण, वरिष्ठ समाजसेवी गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, कई प्रदेशों से यहाँ आए थे. मुझे बहुत अच्छा लगा. ये कार्यक्रम इसी तरह होता रहे, भगवान करे मेरा आशीर्वाद, भगवान महाकाल की कृपा बनी. मैंने चेतना बढ़ती चली जा रही है और ऐसे लोगों को इकट्ठा होना और अपने आप के अंदर अपने विचारों को आदान प्रदान करके और देश की एकता के लिए और संसार को विचार देने की तरफ आगे जो काम हो रहा है वो तारीफ काबिल है. और मैंने देखा कि देश से तो आए पर विदेश से भी काफ़ी ऐसे नौजवान साथी यहाँ पर आए, मैंने ऑस्ट्रेलिया से मिले, अमेरिका से मिले, कितने ही लोगों को मैंने यहाँ पर देखा कि उनका समूचा यहाँ पर प्रस्ताव हो रहा है. ये ज्ञानेंद्र जी की गंगा नहीं गौरव किया और उनके साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन को और आगे बढ़ाएं ताकि एक सिद्धि की तरफ आगे बढ़े और देश मजबूत हो, देश का साहित्य मजबूत हो
पत्रकारों को मजबूत है तो राष्ट्र का निर्माण हो। जय हिंद। जय हिंद। मैं मुकुट बिहार जयपुर से आया हूँ। पिछले साल भी मुझे इसके लिए इन्वाइट किया गया था। मुझे ये अवार्ड इस मायने में सबसे खास लगता है कि इसमें बिना किसी वर्ग संवर्ग और किसी भी क्लास को देखे बिना वास्तव में समाज में जो करने वाले लोग हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है। मैं आशा करूँगा कि अवार्ड लगातार बेहतर है और नई नई चीज़ें જયેશ પ્રજાપતિ સાથે અનેસ ગુજરાત ન્યૂઝ અમદાવાદ।